तो सबसे पहले सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी आपका टारगेट है वो आपको जरूर मिले और आप इसमें सक्षम हैं और जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और सभी को यहाँ पर मैं बधाई देना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर का जो ड्राइविंग टेस्ट है वो 8 नवंबर को यहाँ पर समाप्त हो चुका है और अब जो रिजर्व डे हैं इनमें कुछ लड़कों का जिनका लाइसेंस का इशू था या उनका जो रिजर्वेशन इशू हुआ है जो कोर्ट के माध्यम से बाई कोर्ट जैसे भी अंदर आए हैं उनका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो अब 2 दिन रिजर्व डे में चलेगा। तो अगर आपका भी है तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। आप पहले नहीं गए या कोई आपके पास में वैलिड रीजन है तो आप अब अगर देना चाहें तो ऐसा अगर आप है तो आप RCL में जाकर संपर्क कर सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पर एक अवसर मिल जाए, है ना। तो ये बात की बात है। और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा 15,000 के आसपास जो कैंडिडेट थे और उनका जो ड्राइविंग टेस्ट अभी जो चल रहा है इसमें कितने लड़के पास हुए इसके बारे में मैं आज को आप ऑफिशियल डाटा में यहाँ पर बताना चाहूँगा। और ऑफिशियल डाटा में मैं आपके साथ में शेयर करने से पहले बताऊँगा 15,000 माना कि बच्चे हैं, 15,000 में जो बच्चे पास हुए टोटल 15,000 में जो आपका 21 दिन आपका जो ड्राइविंग टेस्ट चल रहा, और ड्राइविंग टेस्ट आप सभी को पता है 10/10/2023 से लेके 8 नवंबर 2023 तक चला। और इसमें जो कैंडिडेट ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए गए उनमें से जो पास हुए बहुत ही बड़ी संख्या में लड़के पास हुए, जितना अनुमान कहीं कदापि नहीं था, और उतने बच्चे लगभग बच्चे पास हो गए जो पास होने की सोच के गया था वो सारे लगभग पास हो गए। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हुए 12,634 कैंडिडेट, यहाँ पर राउंड फिगर में मैं बता रहा हूँ। इनमें से आपको मैं बताऊँ आपको लगभग आप 35 कैंडिडेट घटा या बढ़ा सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट डाटा मैं आपको नहीं बता सकता। और 12,634 लड़के यहाँ पर जो ड्राइविंग टेस्ट में है वो पास हो चुके हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे पास हुए हैं। तो निश्चिंत रहें, फिर भी आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ को लेकर जो चर्चाएँ चल रही है यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं कि 70+ जाएगी, कोई भी 70+ आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी चाहे कितने भी बच्चे क्यों पास ना हो जाए। और इसके वैलिड रीज़न मैंने कई बार आपको बता दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जल्द ही मेडिकल और रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आएगा पहले, रिजल्ट के बाद में मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से खाएं पिएं, खूब नींद लें, अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचाएं। और यहाँ पे कट ऑफ लगभग 15 नवंबर का जो डेट फिक्स कर रखा है वहाँ तक पूरी चांसेज है कि आ जाएगा। और SSC ने टेंटिवली डेट डाल रखी है 15 जो नवंबर है, और उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उसको आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। बढ़ा सकते हैं, एक कंडीशन है, अगर इंक्रीज होती है वैकेंसी अगर इंक्रीज होती है इसको लेकर थोड़ा सा 2-3 दिन का आपको जो है डिले मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब वैकेंसी बढ़ने को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी वैकेंसी को बढ़ने को लेकर दोस्तों मैं बताऊँ आपको, चुनाव का माहौल है, चुनाव 2024 में आपके लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारे स्टेट में अभी जो विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी चुनाव आए हैं जो वैकेंसीज चल रही होती है रनिंग में होती है उनमें हर बार ये डिमांड होती है कि वैकेंसीज इंक्रीज कराओ, क्योंकि इंक्रीज कराने से फ़ायदा होता है। और हर बार वैकेंसीज बढ़ी हैं, जैसा कि अभी CSF में हर प्रकार की पोस्टों के साथ में वैकेंसी बढ़ी है, और भी कई सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें वैकेंसीज बढ़ी हैं। और इसी दृष्टिकोण से दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी सारे पदों पर, बहुत सारे पदों पर, ऑलमोस्ट सभी पदों पर जो पद है खाली पड़े हैं, भर्ती होने के बाद भी खाली रहेंगे। इसी दृष्टिकोण से जो सोशल मीडिया पर जो मतलब चीज़ें चल रही है वो कहीं ना कहीं हकीकत है। और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर हो, SCM हो, इन सभी के लिए, MTS हो, सभी पदों के लिए यहाँ पर जो है पोस्टें इंक्रीज करने को लेकर यहाँ पे चर्चाएं चल रही है। और बिल्कुल आपकी फाइल है वो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहाँ पे गई थी, और लगभग ये भी सुनने में आ रहा है। अब क्योंकि देखो होता क्या है भाई, जहाँ तक फाइल गई वहाँ तक सबको पता है, इसीलिए इनपुट बाहर आया कि भाई जो है वैकेंसीज बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही MHA में फाइल गई वहाँ से अब जो उस पर हुआ वो फाइल वापस आई, रिटर्न हुई, इसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ, ये पेंडिंग है। अब क्या है, आपको पता होगा कि कोई भी काम होता है ना वो अधिकारी को ध्यान में रहता है कि इसको कब और कैसे करना है, तो अधिकारी उसके ऊपर तब तक एक्शन नहीं लेता जब तक उसको उचित समय नहीं लगता। तो जैसे कि अब 2 दिन रिजर्व डे के हैं तो जो ड्राइविंग टेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, तो इसके तुरंत बाद या हो सकता है कि कुछ जो गुप्त सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आज शाम तक जो आपकी ड्राइविंग जो वैकेंसीज है इंक्रीज होने का जो है
या फिर खबर आ जाएगी। अच्छी बात आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली खबर ऐसी नहीं है कि जिसमें यह कहा जा सके कि भी भर्ती यहाँ पे बढ़ चुकी है। चुकी है का शब्द अभी हमारे पास में नहीं आया है। हालांकि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें सामने आ रही है और जिन लोगों से भी पूछा, वो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन श्योर होकर नहीं बता रहे। इसलिए मैं भी आपके साथ में इतना श्योर नहीं हूँ कि आपकी भर्ती बढ़ गई है। देखो 1411 पद तो है ही, और इसमें अगर बढ़ते हैं तो और भी अच्छी बात है, और नहीं बढ़ते हैं तो फिर तो 1411 तो है ही, है ना। तो इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, होना है तो वो फ़ायदा होना है। और अगर जितनी भी पोस्टें बढ़ती है तो उसमें सबका फ़ायदा होगा, कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा लड़के सेलेक्ट होंगे, और लड़कों ने खूब मेहनत करी है, जितनी मेहनत इस भर्ती ने करवाई है, शायद ही बच्चों ने किसी भर्ती में इमोशनल होकर तैयारी करी है। इमोशनल होना, एक केवल तैयारी करना, संघर्ष करना, और एक इमोशनल इमोशन के साथ आप अगर तैयारी करते हैं तो फर्क होता है। तो जी हाँ दोस्तों, पूरी उम्मीद है। और जहां तक अब आप पूछोगे सरासर आप बताओ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो मैं आपको बताऊं आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज होने वाली है बिल्कुल, जहां तक, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन लग रही है और जिस हिसाब से जो इनपुट बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बढ़ने के चांसेज हैं, बाकी रिजेक्ट होने के 99% चांसेज है, वो रिजेक्ट होने के नहीं है, मतलब पास होने के हैं। तो यही बात है कि यार रिजेक्ट इसे चुनावी माहौल में कोई करता नहीं है, जब वैलिड रीजन हो तो सभी प्रकार की पदों पर, केवल ड्राइवर की। दूसरी बात यह है कि केवल ड्राइवर की पोस्टें नहीं बढ़ा रहे, पोस्टें लगभग हर प्रकार की पोस्टों में जो है इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो सभी साथी यूँ ही बने रहिए स्टडी टू परिवार के साथ में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।